अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं आलोक सिन्हा साहब, फॉर्मर चेयरमैन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज के। जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटीज के। पुखराज चोपड़ा हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं। और साथ ही संदीप भान साहब हैं, CEO हैं HD गत्री इंटरनेशनल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जतिन जी, आप सहमत हैं अनुज जी से? आपको भी लगता है तेजी पर बिकवाली चांदी में? नितिन जी देखिए, शाम के सत्र में जैसे PC इंडेक्स के आंकड़े आएंगे उसके पहले मुझे लग रहा है थोड़ी सी तेजी लग रही है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी भी फेवरेबल ही रहेगी क्योंकि हायर साइड पर अगर सेलिंग करते हो तो रेजिस्टेंस तो प्लेस रहेगी। लेकिन यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से और अभी फिलहाल जो इंट्राडे पर्पस से कोई ट्रेड लेना चाहता है तो मैं कहूँगा कि बाइंग साइड की ट्रेडिंग कीजिए। 92,700 का जो है वो स्टॉप लॉस लगा के चलना है और 93,200 के आसपास जो है वो बाय करके चल सकते हैं। हायर साइड मुझे लग रहा है 93,800 से लेकर 94 के लेवल्स पहले टेस्ट होंगे शाम के डेटा के पहले। ये डेटा के आने के पहले जो मैं पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ कर लिया, मेरी ये भी सलाह रहेगी प्योरली इंट्राडे और शाम के इवनिंग डेटा के पहले का व्यू पॉइंट है। इवनिंग सेशन में क्या होता है डेटा के बाद ये कहना बहुत मुश्किल है। वो तो ठीक बात है, डेटा जब आएगा तब देखा जाएगा। लेते हैं क्रूड की, कच्चे तेल की। और 2 जून को मीटिंग मतलब संडे को बैठक है ओपेक प्लस की, जिसमें इस बात पर फैसला होगा कि क्या जो क्रूड का उत्पादन है उसमें कुछ फेरबदल किया जाए। उससे पहले क्या करें जतिन जी कच्चे तेल में? नितिन जी देखिए, इंट्राडे व्यू पॉइंट के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग रैली आना चाहिए यहाँ से। अच्छी खासी ओवरसोल्ड जोन्स पे चल रहा है ये, फंडामेंटली को साइड में रखते हुए मैं सिर्फ अभी फिलहाल ट्रेडिंग पर्पज से कॉल दूंगा इंट्राडे के हिसाब से। 65-40, 65-60 इस लेवल तक भी जाने की ये क्षमता रखता है। हायर साइड में मुझे लग रहा है जो रेजिस्टेंस प्लेस्ड है वो अराउंड अबाउट 65-50 से 65-70 के आसपास है, तो वहां तक की रैली तो मुझे लग रहा है काउंटर आना चाहिए। तो बाइंग की सलाह रहेगी, करंट मार्केट प्राइस या थोड़ा सा डिप मिल जाता है तब वहाँ पे बाय कीजिए 64-80 के पास। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है आपको इंट्राडे का 64-60 के नीचे रख के चलना है। ओके, आप एयरटेल में जतिन जी कोई नई कॉल बन रही है क्या? मार्केट में जो भी खबरें आई उसका इंपैक्ट हमने देख लिया कॉपर और बाकी मेटल पे, अब यहाँ से आगे की ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बेस मेटल में? मुझे देखिए ब्रॉडली ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन से हम करेक्शन मोड में थे इस हफ्ते और पिछले हफ्ते के टॉप के बाद से हमने करेक्शन फेज चालू किया है। हायर साइड पे जब भी प्राइसेस मिलते हैं यहाँ से 2-2.5% की ऊपर की वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस जो है वो लेते हुए देखने मिलेंगे बेस मेटल जो है। सो नियर टर्म में हफ्ता 15 दिन जब तक ये फेडरल रिजर्व की पॉलिसी नहीं आती 12 जून को तब तक मुझे लग रहा है साइडवेज वॉलिटिलिटी जो है वो कंटिन्यूड रहेगी। ऊपरी स्तरों पर अराउंड 890 से लेकर 895 का रेजिस्टेंस प्लेस्ड है कॉपर के अंदर और सपोर्ट जो है वो 860-865 के पास है। सो अगर आपको पहले 870 मिलता है तो बाय करके चलिए 860 के स्टॉप लॉस से, और अगर पहले आपको 890 दिखता है तो वहां पर शॉर्ट करके चलना है 905 के स्टॉप लॉस से। सो दोनों साइड की ट्रेड बनेगी, फिलहाल जो नो ट्रेड जोन है, एक डिप मिलता है तो या तो बाय और अगर बाउंस बैक ऊपर की तरफ पहले आते 890 के पास तब सेल करना। राइट सर, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे। अब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी, जुड़े आप, और शुक्रिया अनुज जी आपका भी, जतिन जी आपका भी। नमस्कार।